हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। सोल्यूशन पर और और आप आप देख देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, उसका हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। और आज आपके लिए दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है। दोस्तों, रिएक्टिव फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंगुलर का, इसलिए आप इसको बहुत केयरफुली देखिए, क्योंकि कहीं भी आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो रिएक्टिव फॉर्म में ही मोस्टली फॉर्म क्रिएट करेंगे आप, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं इस रिएक्टिव फॉर्म से, राइट? तो दोस्तों इसको अच्छे से केयरफुली देखिए, हो सके तो आप नोट भी कर लीजिए, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल भी कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिएक्टिव फॉर्म को हम मॉडल ड्राइवन अप्रोच भी बोलते हैं, मॉडल ड्राइवन फॉर्म भी बोलते हैं, राइट? और दोस्तों इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो भी वर्क होता है हमारा, जो मॉडल क्रिएट होता है टीएस फाइल पर, वही रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडलिंग करने के लिए इंट्रैक्शन और वैलिडेशन को, राइट? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एंगुलर में हम टीएस फाइल पर मॉडल क्रिएट करते हैं, किसके हेल्प से? फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल से। उसके बाद इस मॉडल को हम बाइंड करते हैं एचटीएमएल फॉर्म पर, राइट? मींस कि दोस्तों रिएक्टिव फॉर्म में हमारा पहला वर्क होता है कि हम मॉडल क्रिएट करेंगे फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से, और उसके बाद इसको हम बाइंड कर देंगे एचटीएमएल फॉर्म पर। दोस्तों ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही पावरफुल होता है रिएक्टिव फॉर्म, राइट? दोस्तों कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म पर नहीं कर सकते बट रिएक्टिव फॉर्म पर कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज एक चीज आप माइंड में रखिएगा कि रिएक्टिव फॉर्म को ही हम मॉडल ड्राइवन फॉर्म भी बोलते हैं, राइट? जैसे कि दोस्तों ऐसा वर्क जो कि हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म पर इजिली नहीं कर सकते, जैसे कि हम किसी वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो उसको हमें डिटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में, बट रिएक्टिव फॉर्म में हम इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। और टू वे डेटा बाइंडिंग जो कि एंगुलर का बहुत ही ब्यूटी है, ये इसको हम इजिली कर लेते हैं इसमें रिएक्टिव फॉर्म में, राइट? मीन मॉडल ड्राइवन फॉर्म में, जिसको हम इजिली नहीं कर पाते हैं टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में। दोस्तों आगे ये चीज होता है कि दोस्तों इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो भी वर्क होता है हमारा, कुछ ही मैनेज करना होता है वैलिडेशन, सब कुछ हम अपने कंपोनेंट पर इटसेल्फ करते हैं, इसलिए हमारा बहुत ही इजी हो जाता है, राइट? और जितना भी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, सब कुछ इजिली हम रिएक्टिव फॉर्म में कर लेते हैं, लेकिन टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में इसको हम नहीं कर पाते हैं, राइट? और दोस्तों इसको मॉडल ड्राइवन फॉर्म क्या करता है कि हमारे कंपोनेंट और टेम्पलेट के बीच में मीडिएटर का वर्क करता है, इसीलिए हम मॉडल ड्राइवन फॉर्म बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसके क्या जरूरत होता है। दोस्तों जहां पर हम फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते थे एप डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल में, लेकिन रिएक्टिव फॉर्म जब यूज करेंगे तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल यूज करेंगे, राइट? पहले हम क्या करते थे दोस्तों कि फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल पर, बट अब रिएक्टिव फॉर्म यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल पर, और कहाँ से? एंगुलर लाइब्रेरी से, राइट? दोस्तों ये क्या होता है कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं जिसको बारे में मैंने बता रखा है पहले, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, बट इसके लिए बहुत ही आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को बहुत इजिली हैंडल कर पाते हैं, राइट? इसमें हम टू वे डेटा बाइंडिंग इजिली कर लेते हैं, बहुत ही जो भी वर्क होता है कंपोनेंट पर होता है, एचटीएमएल मार्कअप में बहुत कम वर्क करते हैं, इसमें यूनिट टेस्टिंग बहुत इजी हो जाता है, जो भी इवेंट हैंडलिंग होता है सब कुछ हम इजिली कर लेते हैं, राइट? दोस्तों अगला ये होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पर टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में क्या किया था, फॉर्म मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया था, बट यहाँ पर आप देख लीजिए रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ से? एंगुलर के फॉर्म लाइब्रेरी से, राइट? और इसको जैसे ही कोई भी मॉड्यूल इम्पोर्ट करते हैं दोस्तों तो हमें इम्पोर्ट के अंदर यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, राइट? इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देख लीजिए रिएक्टिव फॉर्म में हमें तीन चीजें और भी इंपोर्ट करना होता है, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म बिल्डर, राइट? इन्हीं तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्टिव फॉर्म पर हम जब यूज वर्क करते हैं, राइट? तो दोस्तों इसमें मेन वर्क क्या होता है कि हम कंपोनेंट जो पेज होता है, जो टीएस फाइल होता है, उसमें हम फॉर्म क्लास ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें हम
डिटेक्ट करने के लिए जो भी फॉर्म होता है उसमें ग्रुपिंग करते हैं। जैसे दोस्तों इसको हम जब प्रैक्टिकल करने लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले मैं एक बार आपको ये भी बताऊंगी फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, फॉर्म ग्रुप क्या होता है, फॉर्म बिल्डर क्या होता है। तो दोस्तों फॉर्म कंट्रोल में क्या होता है कि हम कंट्रोल को वैलिडेट करते हैं और उसके वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं, राइट। दोस्तों मींस कि जब भी हम किसी कंट्रोल के वैल्यू को चेंज करते हैं तो डायरेक्टली कहाँ होता है, फॉर्म कंट्रोल ऑब्जेक्ट में जाकर इसका रिफ्लेक्ट करता है उसका चेंजेज, राइट। तो इस फॉर्म कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रुप होता है क्या दोस्तों, कि ये हमारा वैलिडिटी और स्टेट जो भी ग्रुप बनता है दोस्तों फॉर्म कंट्रोल का, उसके इंस्टांस के वैलिडिटी और स्टेट को ये क्या करता है, ट्रैक करता है। फॉर्म बिल्डर क्या करता है दोस्तों, कि हमें हेल्प करता है डेवलप करने में क्या, कि जो भी हमारा वैलिडेशन है, इनिशियल वैल्यू है, उसको कैसे यूज करें, उसको डेवलप करने में हमारा हेल्प करता है। तो दोस्तों जब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं वहाँ पर समझाऊंगा किस तरीके से यहाँ फॉर्म बिल्डर यूज हो रहा है और इसका क्या वर्क हो रहा है, फॉर्म ग्रुप किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। app.module.ts फाइल। इसमें दोस्तों हमने क्या किया कि रिएक्टिव फॉर्म्स को पहले से इंपोर्ट कर लिया। दोस्तों हमने पहले से इसको इंपोर्ट कर रखा है ताकि आपको तो अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से इंपोर्ट कर लिया, और इसको जैसे ही हम किसी दोस्तों मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होता है इंपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर हमने इंपोर्ट्स के अंदर डाल दिया इसको। उसके बाद अगला जो वर्क होता है दोस्तों app.component.ts पर जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि हम सबसे पहला वर्ग जैसे हमने बताया कि फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म बिल्डर को हम इंपोर्ट कर लेंगे एंगुलर फॉर्म्स के लाइब्रेरी से। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या किया कि साइन अप फॉर्म का जो फॉर्म ग्रुप है उसका हमने वेरिएबल बना लिया, राइट। तो यही वेरिएबल हम जो साइन अप फॉर्म जो वेरिएबल है यही हम वेरिएबल देंगे अपने HTML पेज पर और उसको यूज करेंगे, राइट। एक हमने फर्स्ट नेम बनाया जो स्ट्रिंग बनाया, लास्ट नेम हमने स्ट्रिंग बना लिया, उसके बाद ईमेल बना लिया, पासवर्ड बना लिया, राइट। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में फॉर्म बिल्डर जो हमने वहां पर इंपोर्ट कर रखा है ये फॉर्म बिल्डर, उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट। इंजेक्ट करने के बाद इस वेरिएबल के थ्रू ये क्या करेगा दोस्तों कि फॉर्म बिल्डर जो फॉर्म पर जितने भी कंट्रोल है उसको ग्रुपिंग कर देगा। मींस कि फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप में हम सारे कंट्रोल को यहाँ पर डाल रहे हैं, एफ नेम है, एल नेम है, ईमेल, यूजर पासवर्ड जो भी है, इसको हम सारे कंट्रोल को ग्रुप करके और हम साइन अप फॉर्म जो फॉर्म ग्रुप है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे। तो जब हमें किसी भी कंट्रोल को फाइंड करना होगा, मींस कि जो फॉर्म बिल्डर ने क्या किया, ग्रुपिंग करके फॉर्म ग्रुप के अंदर डाल दिया, और फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल करके हम सारे कंट्रोल को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आगे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे जो कि पोस्ट डाटा होगा, और ये साइन अप फॉर्म जो फॉर्म ग्रुप है उसको हम एनजी फॉर्म के थ्रू एनजी फॉर्म का टाइप बना लिया है, हम एनी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइप बता रहा है यहाँ पर। और फिर क्या करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग कर लिए जो कि हमारा कंट्रोल्स को हमारे लॉग में प्रिंट कर देगा। तो अब बात आती है कि HTML पेज का, ये सारे हमें HTML पेज पर दिखाना होगा जो करना होगा। यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम HTML पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो HTML पेज पर दोस्तों हमने क्या किया कि फॉर्म ग्रुप है ये, एक तो हमने फॉर्म लिया, राइट। फॉर्म में हमने क्या किया, फॉर्म ग्रुप लिया और उसमें हमने उसका नेम जो हमने साइन अप फॉर्म लगा दिया, राइट। यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म करते थे तो हम वहाँ पर लोकल वेरिएबल लेते थे और उसमें एनजी फॉर्म को हम असाइन कर रहे थे, बट यहाँ पर हम फॉर्म ग्रुप ले रहे हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेकर उसमें डाल रहे हैं कि उसको हम असाइन कर ले रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने दोस्तों इसमें क्या कि एनजी सबमिट एक इवेंट बनाया और उसमें पोस्ट डाटा को जो हम बना रखे हैं उसमें कॉल कर लेंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो साइन अप फॉर्म ये नेम हमने बना रखा है ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए इससे, तभी ये कॉल करेगा उसको। जो दिस डॉट हमने बना रखा है ये एग्जैक्ट वही के सेंसिटिव है, ये उसको मैच होना जरूरी है। और यहाँ पर हमने एफ नेम एल नेम जो कंट्रोल का नाम ले रखा है वो भी हमारे कंपोनेंट के HTML में जो हमने कंट्रोल नेम रखा है फॉर्म कंट्रोल नेम वो मैच होना चाहिए एग्जैक्ट, राइट। फिर अगला हमने कहा एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, कंट्रोल नेम दे दिया हमने फॉर्म कंट्रोल नेम और प्लेस होल्डर बना लिया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सब हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बटन जो ये इनपुट टाइप सबमिट कर लिया, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों ये इस इवेंट को फायर करेगा इवेंट को, और इस पर जैसे ही फायर होगा तो क्या होगा, पोस्ट डेटा को कॉल कर लेगा, और कॉल करने के बाद
ये साइन अप फॉर्म में, क्योंकि हमने सारे कंट्रोल को इसमें ग्रुप कर रखा है, सारे कंट्रोल में ये डेटा वहां पर शो करेगा, राइट, उसको बाइंड करता। चलिए इसको हम सेव करके देखते हैं ब्राउजर में, आपको दिखाता हूँ कहाँ पर दिखता है। दोस्तों यहाँ पर रन कर गया है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं। जैसे मान लो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया ईमेल आईडी, हम जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और पासवर्ड जो भी हमने डालना हो वो रख लिया। अब जैसे हम पोस्ट डेटा करेंगे दोस्तों, मींस कि हमने पोस्ट डेटा पर हमने फंक्शन कॉल कर रखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया है, ये फंक्शन पोस्ट डेटा कॉल कर रखा है। और पोस्ट डेटा में क्या हो रहा है दोस्तों कि कंसोल डॉट लॉग कंसोल में इसको प्रिंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल में जाकर राइट क्लिक कीजिए या F12 कर लीजिए, इंस्पेक्ट किया हमने, जाएंगे कंसोल के अंदर और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, अब ईमेल एफ नेम एल नेम, जैसे एफ नेम हम क्लिक कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू चंदन ला दिया है। अभी आप इस पर राइट क्लिक करके आप कॉपी प्रॉपर्टी पास कर लेंगे, अगर यहाँ पर डाल लेंगे सबका वैल्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबका वैल्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका सारा वैल्यू यहाँ मिल रहा है, राइट। यहाँ पर जैसे हमने कुमार डाला था कुमार आ गया। अगर आप इसी को वेरिएबल में डालेंगे दोस्तों, तो मान लो हमने क्या किया यहाँ पर इसके अंदर ही दिस डॉट फर्स्ट नेम के अंदर हम डाल देते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर इसके अंदर ये मिलेगा, राइट। जैसा हमने बताया कि इसमें साइन हो चुका है, तो इसके अंदर ये मिल जाएगा आपको एफ नेम डॉट कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर हमें कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि कैसे टाइप हम एनी कर लेंगे, राइट। तो क्या होगा कि सारे किसी भी टाइप का हमारा डेटा हमें यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे पेस्ट कर लेंगे जो हम वैल्यू हो वहाँ पर। एल नेम कहा गया तो यहाँ पर हम एफ नेम कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम हो गया। इसको हम कॉपी करके दोस्तों सारे में डेटा असाइन कर लेंगे और फिर हम इसको कंसोल में प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ मैं, दो ही दिखा लेते हैं। इसमें हमने क्या किया लास्ट नेम, इसमें हमने ईमेल कर लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे एल नेम और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम लेंगे डिलीट कर देंगे इसको और यहाँ पर ईमेल हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा नेमिंग कन्वेंशन में कोई इश्यू ना हो। ईमेल का यहाँ पर हमने मानो दोस्तों कॉपी प्रॉपर्टी पास कर लिया और यहाँ पर जाएंगे इसको ईमेल वाले में पेस्ट कर देंगे, राइट। ये तो दोस्तों हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये अब फर्स्ट नेम में लास्ट नेम में सारा डेटा मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर API यूज कर रहे हैं या फिर आपके अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी वर्क करना हो, इस फर्स्ट नेम को यूज करना हो लास्ट नेम को यूज करना हो, तो इसमें आपको डेटा मिल जाएगा वहां पर। जैसे ही पेज पर कोई कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी चेंज होगा, डायरेक्टली आपका डेटा यहाँ पर शो करेगा। या तो आप API में यूज कर लीजिए या अपने पेज पर कहीं भी यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। ये हुआ आपका डेटा बाइंडिंग, आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो वहां दिख जाएगा, वहां चेंज करेंगे यहाँ दिख सकता है, राइट। तो आप जैसे मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। किसी एक को कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम तो दोस्तों एक गलती हो रही है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल के अंदर ही मिलता है ये सारा डेटा, कंट्रोल, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कंट्रोल्स, फिर यहाँ पर डॉट कंट्रोल्स और हम फिर क्या करेंगे अब डेटा आ गया। तो दोस्तों की जैसे हमने बताया ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपने आपका डेटा है मिल जाएगा और इसको आप API में कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको सेव करके हम देख लेते हैं पेज पर। एक्टिवेट हो रहा है सर्वर।
टाइम लग जाता है। सक्सेसफुली हो चुका है, अब यहाँ पर भी आ जाएगा। आ गया यहाँ पर, जैसे मान लो दोस्तों हमने लिख दिया चंदन, लास्ट में हमने जो भी लिखना हो कुमार लिखा हमने, और यहाँ पर हमने ईमेल आईडी जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, पासवर्ड जो भी लिखना हो आप लिख लो। उसके बाद जैसे हम पोस्ट डेटा करेंगे, अब हमें ये क्योंकि हमने इसको कंसोल डॉट लॉक कराया, ये डेटा हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर हम कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए चंदन मिल रहा है, राइट। तो दोस्तों ये होता है हमारा रिएक्टिव फॉर्म्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉरपोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है, पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है, जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए।